अमरवाड़ा की बात करेंगे। उपचुनाव की मतगणना जारी है, रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 10 जुलाई को मतदान हुआ था, बीजेपी के उम्मीदवार है कमलेश शाह, कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह, और अभी मौजूदा समय में काउंटिंग लगातार जारी है। कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अब इंतजार और करना होगा, 1:30 बजे तक जो है तस्वीरें साफ होने वाली हैं कि आखिर किसने अमरवाड़ा के रण को फतह किया है। रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, बहुत बड़ी खबर। उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो चल रही है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज मतगणना है, मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कमलेश शाह। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी मौजूदा समय में बीजेपी के कमलेश शाह जो हैं वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त वहां क्या हलचल और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, अभी जो है मतगणना शुरू हुई है। हाँ। पहले राउंड जो है वो लगभग समाप्ति पे है, पहले राउंड की गणना शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 1700 वोटों से कमलेश शाह बीजेपी के जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेसी से हमारी बात हुई, जो कांग्रेसी एजेंट है, कांग्रेसी नेता है, उनका कहना है कि अभी पहला राउंड है, धैर्य रखिए, अभी थोड़ा सा आगे और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन बीजेपी जरूर आश्वस्त है। बीजेपी का कहना, ठीक है, हर कोई अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। रुझानों में बीजेपी ने बढ़त भी बनाई है, लेकिन इंतजार अभी करना होगा, जब रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उस वक्त की तस्वीर भी देखने वाली होगी। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, नजारा भी दिखाइए अपने आसपास, किस तरह की हलचल है, और क्योंकि कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए हैं तो अभी इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? ये देखिए, अभी कमलेश शाह पहले राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कैमरा घुमाएं, अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर हलचल की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग यहाँ आने बाकी हैं। अभी वो जो एजेंट है वो मौजूद हैं, नेता जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभी शुरुआत हो चुकी है, ये लीड लगातार बढ़ेगी और वो बेहद आश्वस्त है। कांग्रेस ही जरूर मायूस नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो घूम रहे हैं, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं वो बढ़त की ओर बढ़ जाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो उम्मीद थी कि वोट काटेगी, लेकिन वो अभी फिलहाल उस स्थिति में नजर नहीं आ रही है। पहले राउंड के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा वोट गोंडवाना को मिले नहीं। जी बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा कि आखिर और भी राउंड्स हों, धीरे धीरे और पता चले। लेकिन एक बार दर्शकों को भी हम बता देते हैं किस किस के बीच मुकाबला, किसने कहां से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। कमलेश शाह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा धीरन शाह कांग्रेस के कैंडिडेट, और देव रावेन जो हैं वो जीजीपी के कैंडिडेट। यहां की राजनीति को अगर समझना चाहे राजेश, तो फिर कैसे समझा जाए, अहम क्या है, मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सब समझती है, जानती है, और भले ही पार्टी बदल जाए लेकिन चेहरा बरकरार रहता है क्या जनता के दिल में? देखिए, ये जो अमरवाड़ा का विधानसभा इलाका है, पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर राजनीति लगातार कांग्रेस ने की है। एक आध बार ऐसा हुआ है जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो मनमोहन शाह बट्टी रहे, वो उन्होंने जीत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस का विजय रही है। यहाँ पर विकास का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछड़ा इलाका है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, और लोगों का ये भी कहना है, ग्रामीणों का, कि ये समस्याएं जो है ये मूलभूत समस्याएं हैं, इसको हल करना बहुत जरूरी है। लगातार इसकी मांग उठाई जाती रही है। कमलेश शाह लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं, उनके पास भी मांग रखी गई थी, लेकिन अब कमलेश शाह जब बीजेपी में आए हैं तो उनका कहना है कि अब वो विकास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जब थे तब उनका वो सरकार नहीं थी जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पाए थे, उन्हें उम्मीद है, और इसी बात को लेकर के वो अमरवाड़ा की जनता के पास गए हैं। उधर कांग्रेस अपने तरीके से जा रही है, धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको लेकर के गई है, कि जो आंचल कुंड दरबार है उनसे आदिवासी जुड़े हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी, उसको लेकर मैदान में गई। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों में कौन बाजी मारेगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राजेश। तो फिलहाल जो पहला राउंड है
पहले राउंड की अगर काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग का सिलसिला चल रहा है और पहला राउंड जिसमें कि कमलेश शाह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार अभी करना होगा, भी और कई राउंड्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद ही जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है और साथ ही यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज काउंटिंग, तो काफी दिलचस्प है अमरवाड़ा का रण और यहां से, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है तो ये देखना होगा कि आखिर किसके लिए जनता के दिल में प्यार है। नीलाभ शुक्ला हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अमरवाड़ा को लेकर। थोड़ी देर में शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, और संदीप पौराणिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ेंगे, राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो नीलाभ जी, अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग हुई है और लेकिन कमलेश शाह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो बहुत बड़ा दिन बाकी है, काफी देखिए पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में। कमलेश शाह ने जिस तरह बहा के लोगों के मत का अपमान करके चुनाव को, उपचुनाव में जनता को वापस झोंका है, जबकि जरूरत नहीं थी, लेकिन अपने लाभ के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को मात्र सस्ता को धोखा देकर जो उपचुनाव जनता को करा, जनता में आक्रोश है। कई शुरुआती आंकड़े हैं, अभी रुझान इससे स्पष्ट नहीं होता, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में। उसकी वजह मैं बता देता हूं आपको, जो मतदान भी 10% कम हुआ है उसकी वजह की जनता में आक्रोश है कमलेश शाह जी को लेकर, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। तो 6 महीनों में जो झूठे बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे, बातों की झड़ी लगा दी, शिवराज जी चौहान जी का चेहरा दिखाते हुए, लेकिन वो वादे कुछ भी पूरे नहीं हुए और एकदम से चेहरे तो शिवराज जी का चेहरा परिदृश्य से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया। तो 6 महीने कार्यकाल में कर्ज, करप्शन और क्राइम ये चरम पर हुआ है। तो जनता समझ रही किस तरह ठगा गया है, किसान ठगाया है, युवा ठगाया है, महिलाएं ठगाई है, छात्र ठगाए, सबको लगा किस तरह हमें भ्रमित करके, झूठे वादे करके, थोते वादे करके जनता को ठगा गया है। ये 6 महीने में सरकार के लिए सामने आ गई है, तो जनता इसका जवाब देगी। जी ठीक है, शिवम शुक्ला भी साथ जुड़ गए, मैं एक कमेंट उनसे भी ले लेती हूँ, दोबारा आपके पास आऊंगी। शिवम शुक्ला, अभी मौजूदा समय में पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और कमलेश शाह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपका क्या कॉमेंट? देखिए अंशिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ती है वैसे ही उतनी ही गंभीरता, उतनी ही तन्मयता और उतने ही समर्पण के भाव के साथ उस क्षेत्र में भी चुनाव लड़ा। स्वाभाविक तौर पर मरवाड़ा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी अपने आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अभिभूत किया था और उसी की पुनरावृत्ति होने की हमें संभावना इस चुनाव में नजर आ रही थी और उसी ओर जो अभी प्रारंभिक कुछ रुझान आए हैं वह इंगित कर रहे हैं। उस क्षेत्र की जनता ने प्रधानमंत्री जी की विकासवादी राष्ट्रवादी राजनीति पर अपना विश्वास जताया है और स्वाभाविक तौर पर हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र को न सिर्फ जीतेंगे बल्कि जीत का जो मार्जिन होगा वो अपने आप में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने उस क्षेत्र तक लंबे समय तक राजनीति की, वहां पर कमलनाथ जी के ऊपर उस क्षेत्र की जनता ने विश्वास किया। 2023 के चुनाव में भी जब पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसके द्वारा जनता उनके साथ थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनने की संभावना समाप्त हुई, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र से स्वयं को किनारे किया, लगातार उस प्रत्याशी के नामांकन तक में नहीं पहुंचे, तो यह चीजें उस क्षेत्र की स्वाभिमानी जनता ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं ली और जनता मन बना चुकी थी कि कांग्रेस और कमलनाथ जी को इन चीजों का। नीलाभ जी, आप ये कह रहे थे कि वोट परसेंटेज कम है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, एक मार्जिन क्या आप लोगों ने सोच रखा है कि इतना मार्जिन से आप जीतेंगे या फिर आपको लगता है कि इतना तो डिफरेंस होगा ही? देखिए मैं कोई हवाई आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तरह नहीं बताता, मैं एक भारी बहुमत के साथ, अच्छा खासा बहुमत क्या कहना चाहिए, भारी मतों के साथ, भारी मतों के साथ हम वहां से विजय श्री हमको जनता मार देगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि जनता को चुनाव में, उपचुनाव में जबरिया थोपा गया, एक मात्र संस्था के साथ जो गद्दारी करके, धोखा करके, जनता कभी पसंद नहीं करती इन लोगों को जो मात्र संस्था के साथ धोखा करते हैं, अपने लाभ के लिए जनता को वापस चुनाव में झोंक देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार की असलियत भी सामने आ चुकी है, 6 महीने में जो चुनावी वादे इन्होंने किए थे सब हवा निकल गई। आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट है, कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं मेरे भाजपा के मित्र को, वरना कहेंगे कांग्रेस वाले पता नहीं कहां से ले आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे किया, 370 योजना है, किसानों से जुड़ी योजना है, महिलाओं से जुड़ी योजना है, वृद्धों से जुड़ी योजना है,
युवा से योजना है, मेट्रो ट्रेन की योजना है, वो तमाम ऐसी योजनाएं बंद होने की कगार पर है। वजह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी केग ने भी चेताया, केग ने अभी हालिया की घटना चार दिन पहले केग ने चेताया कि आप लगातार कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी विधायकों को 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं विकास के लिए कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करे, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो शिवम जी, क्या ये सही है कि जो वादे किए गए वो पूरा नहीं किया गया, और जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस जब इस प्रकार की बातें करती है तो इनको अपना कार्यकाल याद आ जाता है कि सरकार बनने से पहले तो 10 दिन में कर्ज माफी का वादा कर दिया, सरकार में आने के बाद राष्ट्र नहीं होने का रोना रोने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सरकार चलाते हुए लगभग हमको 20 साल हो गए, इस दौरान एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जब हमने पैसे की कमी होने वजह से कोई योजना बंद की हो, प्रदेश के विकास कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न होने दिया हो। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जब सरकार बनाने से पूर्व हमने 56 संकल्प पत्र में अपनी जो संकल्प है वो प्रदेश की जनता के साथ मोदी जी की गारंटी के रूप में रखे थे, उनमें से लगभग 200 पर हमने काम शुरू कर दिया, 56 के आसपास हम पूर्ण कर लिए, चाहे साइबर तहसील का विषय हो, चाहे एक उड़ान शुरू करने की बात हो जो पर्यटन के क्षेत्र में भी काम कर रही है, एयर एम्बुलेंस चालू करने की बात हो, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश भर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज शुरू करने का एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, पूर्व की हमारी सरकार की के बारे में यह लोग लगातार भ्रम फैलाते थे, लाडली बहना योजना, इस पर और चर्चा करेंगे क्योंकि संदीप पौराणिक हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अनुभव है, मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते आए हैं। संदीप जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि अमरवाड़ा का ट्रेंड क्या है? भले ही पार्टी बदल गई लेकिन क्या चेहरा जनता वही चुनेगी, या फिर जनता एक्टिव है, जनता को पता है कि उन्हें क्या करना है, कुछ अलग फैसला आ सकता है, क्या हवा लगती नजर आ रही है? देखिए, आप ये मानिए कि ये शुरुआती रुझान है जो आपके पास पहले चक्र की जो मतगणना हुई है फर्स्ट राउंड की, वो नतीजे हमारे सामने आ रहे, इसे रुझान मानेंगे क्योंकि इतनी बड़ी भी लीड नहीं है जिसे कवर ना किया जा सकते, और ये भी संभावना है कि लीड बढ़ भी सकती है। हाँ। तो ये आने वाले समय में तय होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा के चुनाव से ना तो सत्ता पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत होंगे। कारण उसका सबसे बड़ा यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लोकसभा में उनके पुत्र को हार का सामना करना पड़ा, अमरवाड़ा में भी कांग्रेस काफी पिछड़ी थी लोकसभा में, विधानसभा के लगातार 3 चुनाव कमलेश शाह जीतते आ रहे हैं। अब ये चुनाव कमलेश शाह धीरन शाह का नहीं है। हाँ। ये चुनाव पूरी तरह कमलनाथ बनाम मोहन यादव सरकार और बीजेपी का है, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर जो ये माना जा रहा है कि ये एक ऐसा बैटल है या ऐसा युद्ध है राजनीति का जिससे आने वाले समय में छिंदवाड़ा में क्या होगा ये तय हो जाएगा। क्या अमरवाड़ा का चुनाव भी कांग्रेस हार जाएगी, और अगर कांग्रेस ये चुनाव हारती है तो क्या नाथ परिवार की राजनीतिक हैसियत क्या बचेगी? इससे जुड़ा एक सवाल मैं अपने रिपोर्टर से करूंगी। राजेश, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट संदीप जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव जो है कमलेश शाह और धीरन शाह के बीच का नहीं है बल्कि कमलनाथ वर्सेस मोहन सरकार का है, और बीजेपी सरकार हम कह सकते हैं, यहां पर कितना लोग समझते हैं इस फैक्टर को, और कमलनाथ क्या ग्राउंड जीरो पर नजर आए? क्योंकि जैसे ही जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो फील्ड पर थोड़ा कम नजर आ रहे थे कमलनाथ। राजेश, आप तक आवाज आ रही है? राजेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही सवाल मैं संदीप जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कमलनाथ का जो प्रेजेंस है वो ग्राउंड जीरो पर थोड़ा कम नजर आया छिंदवाड़ा में भी? क्रॉस हो गई हो, उससे हम उतनी अपेक्षा करें कि युवा नेता की तरह वो सक्रिय हो तो वो नहीं दिखे। उनके पुत्र भी उतने नहीं, लास्ट के 3-4 दिन लोगों ने सक्रियता दिखाई। और कुल मिलाकर के इस चुनाव को अगर आप देखें तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों, पूरी ताकत उन्होंने अमरवाड़ा पे लगा दी थी। क्या कांग्रेस में ऐसी ताकत नजर आई? उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के 1-2 दौरे हुए, जीतू पटवारी कुछ गए, कमलनाथ के गिनती के दौरे हुए, नकुलनाथ के गिनती के दौरे हुए, क्या दिग्विजय सिंह वहां गए? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब भी बिखराव है,
और वो अमरवाड़ा के चुनाव में ये इस पर एक सवाल ले लूंगी मैं, इस पर नीलाब जी से एक सवाल लूंगी। नीलाब जी, क्या ऐसा है, क्या सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? प्रयास किए, देखिए ये चुनाव आपने कहा कमलनाथ जी का और मोहन सिंह सरकार जी का, ऐसा नहीं है। ये चुनाव है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो झूठे थोते वादे करके चुनाव सत्ता में आई है उन वादों की पोल खुल गई है। ये चुनाव उनका है, जनता जवाब देगी। ये चुनाव उनका है जिनने मात्र सत्ता को धोखा देकर जनता के मत का अपमान कर उस चुनाव में जनता को वापस झोंका। ये चुनाव उनका है तो जनता जवाब देगी। निश्चित रूप से जनता उन लोगों को पसंद नहीं करती जो अपनी मात्र संस्था को धोखा देते, जनता इनको मत देकर विधायक बनाती है, वो अपने लाभ के लिए लालच के लिए पद को छोड़ देते हैं, जनता के मत का अपमान कर देते हैं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी। पूरे माहौल कांग्रेस के पक्ष में, देखिए आप 28 परिणाम आएंगे, इस उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी उपचुनाव होने वाले हैं सब में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि ये सरकार की कुछ 6 महीने में ही पोल खुल गई है। क्या वाकई में जो कमलेश शाह हैं उनको आगे आप देखेंगे कि हाँ धीरे धीरे वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उस तरह का परफॉर्मेंस इससे इत्तेफाक रखते हैं, देखा गया अमरवाड़ा में? इससे कोई रिजल्ट मालूम नहीं पड़ता। देखिए इसके बाद जब लगातार पूरा दिन बचा हुआ, पूरा महीने का ना पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में, हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं चीजें, जनता में बहुत आक्रोश है इस चीज को लेकर, सरकार को लेकर। ठीक है नीलाम जी, मैं शिवम जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। शिवम जी, क्या ये लड़ाई, जैसा कि अभी संदीप जी बता रहे थे कि सीधे मोहन यादव वर्सेस कमलनाथ है और इसका फायदा आप लोगों को मिला क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंस कम थी, लेकिन एक चिंता की बात यहां करने की यह भी जरूरत है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जब उपचुनाव हुए तो वोट परसेंटेज भी कम थे। जी, वोट परसेंटेज का जहां तक विषय है, जब पूरे प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उस दिन अधिकतर स्थलों पर छुट्टी रहती है, उस क्षेत्र के रहवासी जो बाहर भी निवास रहते हैं वह भी जाते हैं अपने यहाँ मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन उपचुनाव में ऐसी कोई स्थिति रहती नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज में आमतौर पर एक अंतर देखा जाता है, लेकिन 73% क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी सरकार की जो नीतियां हैं जिस प्रकार से। ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है आज, सीएम विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जा रहे हैं, रायपुर से विशेष विमान से साय कैबिनेट अयोध्या रवाना हो रहे हैं। अयोध्या में सीएम साय और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन भी करेगी। और बड़ी खबर, जहां आप किरण सिंह देव को देख रहे थे, हालांकि आज पूरी कैबिनेट छत्तीसगढ़ की अयोध्या में नजर आएगी। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शाम को रायपुर वापस लौटेगी पूरी कैबिनेट, और अयोध्या के लिए विशेष विमान की जो तैयारी है वो की गई है, जिससे कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट अयोध्या जाएगी और रामलला के दर्शन करेगी। इस पर जानकारी विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी और उन्होंने कहा था कि पूरी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन करने के सौभाग्य मिले हैं और ऐसे में बहुत उत्सुक है वो। तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही, विष्णुदेव साय कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे, अयोध्या रवाना होंगे और दर्शन करेंगे राम लला के। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद से ही सिलसिला जारी है तमाम दिग्गजों के पहुंचने का अयोध्या। श्री राम के चरण में वंदना करेंगे पूरे क्षेत्र में, अभूतपूर्व उत्साह। तो किरण सिंह देव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व उत्साह है, उमंग है, बेसब्री से इंतजार जिस पल का, वो पल आ ही गया है जब रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे विष्णुदेव साय और पूरी कैबिनेट। तो साय कैबिनेट आज दर्शन करेगी रामलला के, इसको लेकर खास इंतजाम तैयारियां कर ली गई हैं। और आज अमरवाड़ा का रण, आज काउंटिंग है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पहले राउंड में बीजेपी के कमलेश शाह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा भी हम कर रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, नीलाब शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, शिवम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, संदीप पौराणिक हमारे साथ जुड़े, राजेश करमेले संवाददाता अमरवाड़ा से हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं शिवम जी से बात कर रही थी कि वोट परसेंटेज जो है इस बार
कम हुए हैं पिछले बार जब हुए थे विधानसभा चुनाव, लेकिन उपचुनाव में वोट परसेंटेज कम है, इससे नुकसान किसको, फायदा किसको? अगर जनता में बहुत ज्यादा असंतोष होता है तो खुलकर वोट करने आता है। अमूमन मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखें तो उपचुनाव में मतदान का जो प्रतिशत है वो ज्यादातर में मुख्य चुनाव की तुलना में कम ही रहता है। वो तस्वीर अमरवाड़ा में भी दिखी। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये चुनाव में क्या जो नीलाब जी बात कह रहे थे कि दगाबाज विधायक या दगाबाज नेता मात्र संस्था को छोड़ दिया, क्या ये चीज कांग्रेस जनता में एस्टेब्लिश कर पाई? तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज आप एस्टेब्लिश कर लेते, जनता में स्थापित कर लेते तो वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता। लेकिन कुल मिलाकर के वोटिंग का प्रतिशत 10% कम हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है। आप ये मान के चलिए, संभावना इसी बात की है कि अंत तक जो मतदाता का रुझान है वो सामने आएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर रहने की संभावना कम रहती। लेकिन एक चीज और हमें समझनी होगी कि मध्य प्रदेश के उपचुनावों में अधिकांश बार सत्ता पक्ष ही जीतता है, तो मुझे लगता है कि अगर अमरवाड़ा में कांग्रेस जीतती है तो ये चमत्कार से भी कम नहीं होगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा, पेशेंस की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर क्या है राजेश बताएंगे। राजेश करमेले, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, कोई अपडेट? राजेश, क्या अब तक आवाज आ रही है? तो राजेश से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, हालांकि कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चर्चा बहुत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अमरवाड़ा काफी ज्यादा अहम इलाका, अहम क्षेत्र, जहां पर उपचुनाव हुए, मतदान तो हो गया लेकिन मतगणना अभी लगातार जारी है। इसमें वोट परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले कम जरूर हुए हैं, लेकिन यह देखना होगा कि किसको फायदा किसको नुकसान होगा। शिवम शुक्ला, आपको लगता है कि वोट परसेंटेज अगर कम हुआ है तो इससे आपको नुकसान होने की आशंका है? देखिए अंशिका जी, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस स्तर पर बूथ से लेकर के ऊपर तक काम किया, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी सक्रिय रहा और जनता और हमारे बीच जो एक संवाद और विश्वास का सेतु स्थापित हुआ है वो आने वाले वक्त में उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होने जा रही है उसको इंगित करता है। वहीं कमलनाथ जी के ऊपर जो जनता का विश्वास था उसको पूरी तरीके कमलनाथ जी ने स्वयं तोड़ने का काम किया। जनता ने देखा कि आप छिंदवाड़ा अमरवाड़ा तो छोड़िए, कमलनाथ जी उस कांग्रेस पार्टी के भी नहीं हुए जिसने उनको उस क्षेत्र में ले जाकर के इतने वर्षों तक राजनीति करने का अवसर दिया। जब कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी तो कमलनाथ जी विदेश चले गए। यानी कि अगर वोट परसेंटेज कम भी हुआ है तो नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, ऐसा आपका कहना है। एक लास्ट कॉमेंट नीलाब जी आपसे, कितना डिफरेंस आप अनुमान लगा रही हैं या आपको लगता है कि कितना वोट में डिफरेंस होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से फर्जी हवाई आंकड़े नहीं बता, मैं बता भारी मतों के साथ एक अप्रत्याशित चीज जो होने वाली है कांग्रेस की होने वाली है। एक अपडेट पूछा रहा है कि 2700 वोटों से बीजेपी अभी आगे चल रही है, इस पर एक लास्ट कमेंट आपका नीलाम जी। ये शुरुआती आंकड़े है, बीजेपी खुशी मना सकती है लेकिन धीरे धीरे परिणाम सामने आएंगे, आईने की तरह साफ हो जाएगा परिदृश्य पूरा, कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर हो रही, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता होगी जिस पर वोट लगाएगी अमरवाड़ा जनता। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को ही और बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो अमरवाड़ा का रण बहुत ज्यादा अहम है और ऐसे में देखना होगा कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि इंतजार है अभी 12 बजे के बाद ही तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो पाएंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आधा दूरा कमेंट्स देते हैं यार, आधा।